और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी होगा पेश। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को तलब किया है, मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल को तलब किया है। लखनऊ कोर्ट में हमले के मामले में तलब किया गया है, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को तलब किया, तो लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश होगा। लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी होगा पेश, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को तलब किया है, मुख्तार अंसारी को 12 अप्रैल को तलब किया गया। लखनऊ कोर्ट में हमले के मामले में तलब किया गया है। और ओम पांडे इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम पांडे, लखनऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी पेश होगा, फिलहाल इस मामले पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दूं अनन्या, जिस तरह से इस मामले की बात कही जाए, लगातार जिस बात का अंदेशा था कि अब जैसे ही वो बांदा जेल शिफ्ट होगा, एक तरफ जहां आज बांदा जेल में उनकी एनटीपीसीआर और एंटीजन जांच हो चुकी है और माना जा रहा है कि जैसे ही अभी डॉक्टरों की जो एक टीम, विशेष टीम है, वो मौजूद है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अगर कोर्ट की, तो 12 तारीख को जो है एमपीएमएलए कोर्ट लखनऊ में जो है एक नोटिस जारी किया गया है साफ तौर से, जिसमें से मुख्तार अंसारी को पेश होना है। और उसके बाद जो है एक मामला है जिस पर आलमबाग थाने पे एफआईआर दर्ज हुई थी, इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके बाद जो है 12 तारीख को मुख्तार अंसारी को पेश किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस तरह से माननीय न्यायालय में इस तरह का मामला है, 12 तारीख को माननीय न्यायालय के पेश करने की बात कही गई है, उसमें क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी को लेकर बात कही जाए, लगातार मुख्तार अंसारी को लेकर के जो कोर्ट की जो लंबित मामले हैं उनकी जो है वो सुनवाई अब धीरे धीरे लगभग शुरू हो जाएगी। और ऐसे में प्रयागराज, लखनऊ और तमाम जो अन्य जिले हैं जहां पर लगातार ऐसे लंबी फेरिस्ट है सुनवाई की, और ऐसे तमाम जो जिले हैं उनमें जिन जिलों में लगातार ऐसे मामलों की मामला लंबित है वहां पर सुनवाई होगी। और माना जा रहा है क्योंकि इस समय 2021 है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, एक तरफ जहां पहले लगातार चीजें होती थी कि जो है सपा बसपा तमाम जो अन्य पार्टियां होती उनकी सरकार होती थी, तो वहां पर मुख्तार अंसारी का जो है अंसारी चलता, वहां पर मुख्तार अंसारी जेल में अपने रसूख से रहता था, लेकिन अब शायद वो रसूख नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात करते हैं अगर बांदा जेल की, तो बांदा जेल में भी जो कारागार प्रशासन है उसकी तरफ से जो दो डिप्टी अधीक्षक हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, एक गाड़ी पीएससी लगातार वहां पर तैनात कर दी गई है, उसके साथ साथ बैरक नंबर 16 में उन्हें रखा जाएगा। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से अगर हम सुरक्षा के लिए लिहाज से देखें तो पूरे कड़े सुरक्षा के तमाम एहतियात हैं वो बरते गए हैं। और आज जैसा कि लगातार कहा जा रहा था, अब से थोड़ी देर पहले जो है एंटीजन और एनटीपीसीआर जांच जो है कोविड की वो कराई गई कोविड गाइडलाइंस के तहत, और माना जा रहा है जब ये रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अभी मौजूद जो एम्बुलेंस है वो अंदर गई है, उसके बाद डॉक्टरों ने ये दोनों जांचें की हैं और लगभग 12 घंटे के बाद एनटीपीसीआर जांच आने के बाद अन्य जो निर्णय है वो लिए जाएंगे। एक तरफ जहां इस मामले की बात कही जाए कि एक तरफ जहां कोर्ट में जो लंबित मामले उनकी सुनवाई शुरू हो जाएगी, तो दूसरी तरफ सरकार की जो मंशा है, सरकार की साफ तौर से यही मंशा है कि जो लगातार मामले लंबित हैं, चाहे उनको लेकर के जो भी गवाही होती थी वो गवाही नहीं हो पाती थी, उन तमाम मामलों पर गवाही हो, ज्यादा से ज्यादा जो मामले हैं वो सुनवाई हो, और उसके बाद जो मुख्तार अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।